एरो आवी, एरो आवी। चलो चलो कहानी सुनने चले, सब तैयार? एक दो तीन। रोहन अपने दांतों में मंजन करने या नहाने से कतराता है, लेकिन उसकी बहन रिया उसे एक ऐसा रहस्य बताती है जिससे उसकी सोच बदल जाती है। सुनते हैं ये प्यारी सी कहानी धो डालो। ओरिजिनल स्टोरी ब्रशिंग इज नो फन बाय श्रीविद्या वेंकट। इसका हिंदी में अनुवाद किया है दीपा त्रिपाठी। चित्र बनाए हैं अनुपमा अजिंक्य आप्टे। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। रोहन जागते ही अपने पालतू कुत्ते जिमी के साथ खेलने लगा। खेलने से पहले कुछ और भी करना चाहिए ना, उसकी बड़ी बहन रिया ने कहा। चलो उठो, मंजन करो। बा, बा, बा। मैं मंजन नहीं करना चाहता। जिमी भी तो मंजन नहीं करता। जानवर मंजन नहीं करते तो क्या, वो भी अपने दांतों का ध्यान रखते हैं, लेकिन उनके तरीके अलग होते हैं। कीटाणुओं से बचने के लिए हमें अपने दांतों को साफ रखना चाहिए। कीटाणु? हाँ कीटाणु। कीटाणु बहुत ही छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। अगर तुम दांतों को मंजन और ब्रश से अच्छी तरह साफ नहीं करते तो वो मुंह में रह जाते हैं और तकलीफ पैदा करते हैं। मैंने उन्हें किटकिट कीटाणुओं का नाम दे रखा है। हाँ, इसीलिए हमें अपने दांतों की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। हर रोज दो बार सुबह और रात को मंजन करना चाहिए। लेकिन दांत मांजना बड़ा ही बेकार का काम लगता है। मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूं रोहन। रोहन मुस्कुरा दिया। तभी माँ ने आवाज लगाई, चलो नाश्ता तैयार हो गया है। लेकिन नाश्ते से पहले भी हमें कुछ करना चाहिए, रिया बोली। अपने हाथ धोने चाहिए। बा, 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 बा। लेकिन जिमी तो कभी हाथ नहीं धोता, रिया हंसते हुए बोली। भाई वो अपने हाथ यानी पंजों से खाता नहीं है, लेकिन हम तो अपने हाथों से ही खाते हैं ना, इसीलिए हमें खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए ताकि हाथों में किटकिट कीटाणु ना रहे। क्या हमारे हाथों में भी कीटाणु होते हैं? कीटाणु हर जगह होते हैं। बा, 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 बा। अच्छी, रिया ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए छीका। ऐसे नहीं करते, मेरी टीचर कहती है कि हमें मुंह के आगे हाथ रखकर छींकने के बजाय अपनी बाजू को मुंह के आगे लाकर उस पर छींकना चाहिए, रोहन ने कहा। क्यों? क्योंकि जब हम हाथों में छींकते हैं तो कीटाणु हमारे हाथों में रह जाते हैं। छींकने के बाद अगर हम हाथ ना धोए तो हमारे थूक के साथ निकले कीटाणुओं से बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। रोहन का इतना कहना था कि रिया अपने छींक वाले हाथ हिलाती उसके पीछे लपकी। रोहन का पीछा करते हुए रिया चिल्लाई, बच के दिखा, पीछे तेरे किटकिट कीटाणु पड़े। रोहन चीखा, ची। बा, 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 बा। बाद में रिया ने रोहन को ठीक तरह से हाथ धोना सिखाया। अपने हाथों को पानी से भिगो और नल बंद कर दो, फिर थोड़ा सा साबुन अपनी हथेली पर मलो, हाथों के पीछे और उंगलियों के बीच में भी लगाओ। हाथों को हर तरफ अच्छी तरह रगड़ो, साथ में गिनती गिनते रहो। 20 तक गिनने के बाद हाथों को पानी से अच्छी तरह धोकर सुखा दो। लेकिन इतनी देर तक, ये तो बहुत ज्यादा है। याद है ना मेरा राज? हाँ, रोहन मुस्कुरा दिया। जब दोनों बाहर से खेलकर घर लौटे तो रिया ने रोहन को याद दिलाया, कुछ करना चाहिए हमें सबसे पहले। माँ शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, कुछ देर और खेलना चाहिए। नहीं, नहाना चाहिए। माँ
क्या आपको नहीं मालूम कि कीटाणु हर जगह मौजूद है? हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारे शरीर पर और कपड़ों पर चिपके रहते हैं। इसीलिए हमें रोजाना नहाना चाहिए और इस तरह उनसे छुटकारा पाना चाहिए। मैं बताती हूँ कैसे नहाया जाता है। सबसे पहले अपने ऊपर डालो पानी, माँ ने कहा। फिर सारे शरीर में साबुन लगाओ। माँ साबुन लगा रही थी तो रिया और रोहन को ऐसा लग रहा था जैसे वे उन्हें गुदगुदा रही थी। वो दोनों ही ऐसे करके हंसने लगे। चलो अब और पानी डालो, साबुन के झाग को धो डालो और अब साफ तौलिए से पोंछ डालो। अब हो गए हम बिल्कुल साफ सुथरे चकाचक। अब बारी है जीमी की। कहानी सुनोगे? पिताजी ने पूछा। उससे पहले हमें कुछ करना चाहिए, रिया ने याद दिलाया। सब चीजों को सलीके से रखो। रोहन ने उबासी ली। तो हमें ये भी करना होगा क्या? याद है ना तुम्हें उस दिन अपनी गेंद नहीं मिल रही थी? हर चीज को अपनी जगह पर सलीके से रखोगे तो जब तुम्हें उन चीजों की जरूरत पड़ेगी तब वो आसानी से मिल जाएगी और हमारा घर भी साफ सुथरा रहेगा। तुम दोनों ही बहुत होशियार हो, पिताजी बोले। चलो अब सोने का समय हो गया है। पिताजी, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और करना है, रोहन को अपनी तरफ खींचते हुए रिया बोली। अपनी जादुई तरकीब से किटकिट कीटाणुओं का सफाया करना है, रोहन ने रिया की बात पर हामी भरते हुए सिर हिलाया। कुछ ही मिनट बाद माँ और पिताजी को एक जानी पहचानी धुन सुनाई दी। तो ये है तुम्हारी रहस्यमयी तरकीब, पिताजी बोले। दांतों में मंजन करते समय गीत गुनगुनाना। सचमुच बढ़िया तरकीब है, माँ ने कहा। रोहन और रिया को अपना ध्यान खुद रखने में मजा आता है और आपको? कीटाणुओं का मुकाबला करने के मुद्दे पर उन्होंने खेल जैसा बना डाला है और आप ये तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस खेल में किसका पलड़ा भारी है। ये जो गीत है वो कीटाणु और मेरे बीच में गीत है। एक लाइन कीटाणु गाएगा तो दूसरी लाइन मैं गाऊंगा। पहले कीटाणु। गंदा मैला चिपचिपा है मजेदार, दांतों हाथों की सफाई दे खुशी के बुलबुले हजार, नहाना है बिल्कुल बेकार, साबुन पानी का झरना कितना खुशबूदार, सामान उठाने का क्या फायदा, सब कुछ फैलाने का है नया कायदा, सहजने से मेरी सब चीजें मिल जाती है, सबको रहता चैन, माँ की मुस्कान खिल जाती है। अब आप भी इसी तरह अपना एक गीत गढ़ सकते हैं। जब कभी आपको ऐसे काम करने पड़े जिन्हें करने में आपको कोई मजा नहीं आ रहा हो तो अपना गीत गुनगुनाइए और अपनी ऊब दूर भगाइए। कहानी खत्म, मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ? तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवावी एरवावी।